तरफ भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है, वहीं आज राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बांस घाट के समीप बुद्ध घाट पर कई झोपड़ियों में भयानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जहां मौके पर कई अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तेज हवाओं के कारण आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं और काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को खासी परेशानी हो रही है। बता दें कि बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित बुद्ध घाट पर भयानक आग लगी है। हालांकि मौके पर पटना SSP राजीव मिश्रा के साथ तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और आग पर काबू पाने की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि झोपड़ियों में अचानक आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान झोपड़ियों से कई सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। अचानक घटना घटी और क्या आपसे जानकारी मिली? देखिए एग्जैक्टली क्या रीजन है वो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये है कि तुरंत ही जो फायर की गाड़ियां हैं वो सब आ गई हैं। तो अभी तक जो हम लोग के पास सूचना है किसी प्रकार का कोई किसी की जीवन की क्षति नहीं है। जो सामान होंगे लोगों के घरों में जरूर इनका नुकसान हुआ है, और जो फायर की गाड़ियां हैं लगातार यहां जो है अपनी काम कर रही हैं, और जो ट्रैफिक के लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। तो अभी सब जो आग लगी थी वो नियंत्रण में है, हम लोग की लगभग बुझने की स्थिति में है और नहीं फैले इसके लिए भी हम लोगों ने उपाय कर रखा है। तो अभी जो है पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। कारण अभी तुरंत बता पाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या कारण था। आप जैसा देख रहे हैं मौसम को देखिए, इतनी गर्मी है कि हर चीज में स्वयं भी आग लग जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही किसी के द्वारा बरती जाती है तो वो आग जो है कि धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेता है। हम लोग इसीलिए अपना जन जागरूकता भी करा रहे हैं, हर गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेजों में, पूरे गांव-गांव तक हम लोग जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, ताकि लोगों को सचेत किया जा सके इस गर्मी के मौसम में आग से कैसे बचें और क्या करें क्या नहीं करें, इसका हम लोग जो है कि जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। देखिए अभी हम लोग आग को बुझा रहे हैं, जैसे अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसमें कोई घायल है या कोई ऐसा बात है, लेकिन फिर भी हम लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं, और अगर ऐसी बात होगी तो हमारे देख रहे हैं रेस्क्यू की टीम, हमारे एम्बुलेंस सभी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं।